दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है एक्सपीरियंस। इसलिए जब तुम अपने दोस्त को अपने घर लेकर आते हो ना, लड़का या लड़की, तो तुम्हारा बाप एक मिनट में स्कैन कर देता है, चाहे सामने वाला जितनी नाटक करे, जी अंकल जी, जी अंकल जी। इसलिए तुम दुनिया में पढ़ाई कहीं भी कर लो, कीमत एक्सपीरियंस की होती है। समझो यार किसी चीज को, यही हम पे लोग इल्जाम लगाते हैं, मुझे पढ़ाते ही नहीं, 18 साल से पढ़ी तो रहे हो। गलती करोगे तभी तो सीखोगे, जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। जय हिंद फ्रेंड्स। एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है दुनिया में। दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है एक्सपीरियंस। इसलिए जब तुम अपने दोस्त को अपने घर लेकर आते हो ना, लड़का या लड़की, तो तुम्हारा बाप एक मिनट में स्कैन कर देता है, चाहे सामने वाला जितनी नाटक करे, जी अंकल जी, जी अंकल जी। एक मिनट से ज्यादा नहीं लगता वो है एक्सपीरियंस। इसलिए तुम दुनिया में पढ़ाई कहीं भी कर लो, कीमत एक्सपीरियंस की होती है। जितनी बड़ी कंपनी उतना बड़ा एक्सपीरियंस। अनुभव एक अलग चीज है ना। इसीलिए जब गरीब आदमी कहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, तुम कमा भी नहीं पाओगे। भैया अगर हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम शराब नहीं पिएंगे। हाँ हाँ पता है मुझे, आएगा ही क्यों, पैसा आएगा ही उनके पास जिनके पास तमन्ना है। पैसा किनके पास नहीं आता, जो बड़े अच्छे अच्छे सपने देखते हैं। पैसा आएगा तो हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। मालिक को लगता है जिंदगी भर सबको बेवकूफ बना रहा, हमें भी बना रहा है। तुम्हारे जो दिल में है ना, वही जाके मंदिर में कहा करो, तुम्हारी हर बात कबूल होगी। भगवान को बेवकूफ मत बनाओ, जाके मंदिर में कहो कि 2 करोड़ रुपया दे दोगे तो लुटाएंगे डेली शाम को ऐसे ऐसे बैठ के, तो कम से कम वो तुम्हारी ईमानदारी में फायदा हो जाएगा कि आप शानदार आदमी है, दे दो। तुम इंसान को तो बेवकूफ समझते ही हो, भगवान को भी समझते हो। अगर आईएएस बन गए तो गरीब लड़कों को पढ़ाएंगे, पढ़ लेंगे गरीब लड़के, कोई गरीब नहीं है इस दुनिया में। तुम ठेका मतलब पूरी दुनिया का। और दूसरी बात है एंगर, क्रोध। जिसके पास ये है ना, उसको बाहर दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। गुस्सा जो है ना, हमारे सोसाइटी में मैंने एक भाई साहब की पार्किंग में गाड़ी लगा दी जल्दबाजी में, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। ओ चिल्लाने लगे वो, मैं भागते हुए नीचे, मैंने कहा भाई साहब गलती हो गई। बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। गुस्से में थे वो। तुम अगर बहुत शांत रहो तो कभी कभी तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि गुस्से में सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, खुद ही गाली दे रहा है। तो मैंने कहा कि ब्रीड कौन सी है। अब आप ही कह रहे हो मैं कुत्ता हूं, तो मेरा तो धर्म है ना मैं पूछ लू। क्रोध, इससे बचो। समझो यार किसी चीज को, यही हम पे लोग इल्जाम लगाते हैं, मुझ पे पढ़ाते ही नहीं है। 18 साल से पढ़ ही तो रहे हो और नहीं पढ़ाएंगे। ये सीखो, ये ऐसे कनेक्ट करके कहानियां क्रिएट करनी है जो तुम्हारे यहां हजम हो जाए।
जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयां हैं वो तुम लड़ोगे, इसलिए बड़े सारे माँ बाप बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, बर्बाद करते हैं अपने लड़कों को, बाहर नहीं जाने देते, ये नहीं करने, कुछ सामान छोटा छोटा छूट देनी चाहिए माँ बाप को बचपन से ही। गलती करोगे तभी तो सीखोगे, जब सबसे अच्छा तरीका सीखने का है गलती करके। दिल्ली गया, कोई कानपुर का लड़का मिल गया, दोस्ती कर लिए, दो तीन दिन साथ में रहे, चौथे दिन तुम्हारा लैपटॉप मोबाइल लेके गायब हो गया। The one and only coaching in India which has started NCERT program, class program is ICRA. ICRA will start your preparation from the first stage. There will be a separate batch for English medium or completely English and a batch bilingual. Offline and online start in the month of June. ICRA is the first institute in this country which has already started this approach of teaching. Basics to advanced stage. Query about admission, you can contact the official site of ICRA.